बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वैलेंशिया टाउन की फ्लावर मार्केट में मौजूद है, जहाँ पे खुदा बख्श साहब हमारे सामने मौजूद है। खुदा बख्श साहब, ये मार्केट कितनी देर से यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है? ये मार्केट ये तकरीबन दो माह से हुई है। अच्छा, तो यहाँ पे मार्केट में आपको किस किस्म का रिस्पॉन्स मिल रहा है? कस्टमर्स आ रहे हैं या अभी अभी हल्का काम है आपका इधर? नहीं नहीं, अभी तो सीजन है ना, आपको पता है, तो इसीलिए हल्का काम नहीं है, अभी काम ठीक है। ठीक है, जून जुलाई में काम स्लो होता है। तो आपके पास कितनी किस्म के बुके होते हैं जो यहाँ पे आप तैयार करते हैं? हमारे पास तकरीबन 10 किस्म की वैरायटी होती है। 10 किस्म की होती है? तो आप हमें ये बता सकते हैं फूलों की कौन सी शाम है जो आप एक बुके के अंदर इस्तेमाल करते हैं? बुके के अंदर हमने ज्यादातर ग्लैड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ग्लैड जो हर सीजन में हो, यानी कि होता है मौसम, हर मौसम में होता है। ठीक है, सही है। लेकिन जो ट्यूब रोजेज होते हैं वो सीजन के हिसाब से होता है। अच्छा, तो ये जो फ्लावर्स आप लेके आते हैं लाहौर में, ये कहाँ से आते हैं? मेन मार्केट इसकी कहाँ पे है? इसकी मेन मंडी है पत्तों की। पत्तों की में? अच्छा अच्छा। और ये वाला जो आपके हाथ में फ्लावर है, इसका नाम क्या है? ये ग्लैड है। ग्लैड है, ये पत्तों की से आता है। पत्तों की से आता है, लेकिन अभी ज्यादातर ये आ रहा है स्वास से, रावला कोट से। अच्छा, ठंडे इलाकों से आ रहा है, लेकिन अभी पंजाब में शुरू नहीं हुआ। आप ये रेड कलर में, ये नेचुरल कलर है, इसको डाई नहीं किया हुआ। ठीक है, तो फूल डाई भी करते हैं आप? हाँ जी, फूल जो वाइट होता है ना, जब ये नेचुरल कलर नहीं आते, हाँ, फिर हम डाई भी कर लेते हैं। अच्छा, रेड भी कर लेते हैं, ब्लू भी कर लेते हैं, पर्पल भी कर लेते हैं। तो वो जो फूलों का डाई होता है वो कहाँ से लेते हैं आप? वो कलर होता है वो भी मंडी से ही मिल जाता है, उसके पैकेट होते हैं। ठीक है ठीक है। वो टैनी के हिसाब से, अगर 50 टैनी लगानी है तो एक पैकेट डाल देते हैं, अगर 100 टैनी लगानी है तो तो एक जो नॉर्मल किस्म का बुके होता है उसकी कीमत कितनी होती है यहाँ पे? जो आम एक होता है, जो हमने आम बुके ये तैयार कर रहे हैं ना, इसके अंदर रोजेज भी लगाएंगे। अच्छा, एक लैड है और ट्यूब रोज होते हैं। ठीक है, वो लगा के ये तकरीबन 1000 तक होता है। 1000 तक होता है नॉर्मल रेट। तो जो अच्छे वाला, जो अच्छे वाला बुके है उसकी कीमत क्या होती है? जो अच्छे वाला बुके होता है, अगर इन्हीं फूलों में, लोकल फूलों में अच्छे वाला करते हैं तो 1500 तक होता है। और इम्पोर्टेड में, अगर इम्पोर्टेड फ्लावर में करते हैं तो वो फिर क्वांटिटी उसकी होती है इम्पोर्टेड फ्लावर के पास स्टैंप के हिसाब से। ठीक है, 5000 तक भी बुके तैयार कर सकते हैं, 6000 तक भी और 3000 तक भी। ठीक, नॉर्मल 2500 रुपए। ठीक है, इम्पोर्टेड फ्लावर। तो जो इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड फ्लावर होते हैं, ये कौन से कंट्री से आते हैं आपके? ये आते हैं मलेशिया से आते हैं। ठीक है, मलेशिया से आते हैं, हॉलैंड से भी आते हैं, मलेशिया से भी आते हैं। हॉलैंड तो फूलों की मार्केट है, पूरा एक दुनिया का वर्ल्ड वाइड ये फेमस कंट्री है ये। ये अभी हम आपको एक बुके तैयार करके दिखाते हैं, इसकी पैकिंग भी करेंगे। तो आप ये फूलों का काम कब से कर रहे हैं आप? ये फूलों का काम मैं बचपन से ही कर रहा हूं। बचपन से कर रहे हैं? अच्छा अच्छा। तो एक फूल जब हम तोड़ के लेके आते हैं तो कितनी देर तक ताज़ा रहता है वो? ये मौसम अगर सर्द मौसम है तो तकरीबन 8 दिन निकाल जाता है। अच्छा, हाँ। तो अगर गर्मी का मौसम है तो फिर भी ये 3 दिन निकाल जाता है। तो अगर पानी के बगैर हो तो फिर कितनी देर होता है ये पानी इसकी? के बगैर अगर रहता है ना तो ये इसी तरह मौसम है तो 2 दिन ये सही रहेगा। 2 दिन सही, बिल्कुल सही रहेगा। सही है, यानी कि 48 घंटे। सही, जो इम्पोर्टेड फ्लावर होते हैं जो बाहर से आते हैं वो तकरीबन उनकी लाइफ होती है 15 से 20 दिन तक, पानी के अंदर रखते हैं ना तो इतनी लाइफ होती है उसकी। हाँ जी, बाहर से कौन कौन से फ्लावर्स आप मंगवाते हैं? मंगवाते हैं रोज होता है, रोज उसमें कलर होते हैं रोज में। अच्छा, और लिली होता है। लिली? हाँ जी, लिली की स्टेम होती है वो तो पता ही है आप। जी जी, तो मुख्तलिफ वैरायटी होती है उसके अंदर, चेरी होती है, जिप्सोफिलिया होता है, डीको फ्लावर होता है। सही है। आज से जो 6 माह पहले कोरोना था तो उसमें आपकी मार्केट के हालात क्या थे? आपके बुके वगैरह बिकते थे या नहीं? नहीं, बिल्कुल बंद था काम। अच्छा, हाँ जी। तो कितनी देर ये आपका अंदाजन काम ये बंद रहा? ये तकरीबन जितने देर लॉकडाउन रहा ना तो नुकसान ही रहा, तकरीबन एक साल तक।
पत्तों की से सुबह कितने बजे यहाँ पे आते हैं फूल? जो पत्तों की मंडी जाते हैं, एक दो लड़के चले जाते हैं गाड़ी पे। अच्छा। तकरीबन सुबह वो जाते हैं 3:30 या 4 बजे से निकल जाते हैं। अच्छा। यानी कि नमाज पढ़ के वो निकल जाते हैं। ठीक है। नमाज के टाइम पे तो फिर उधर पहुंच जाते हैं तकरीबन 1 घंटे में या आधे घंटे में, इतना टाइम इधर से लगता है। प्लेन शीट पर ये देखें, अभी हम पूरा बुके इसको तैयार करेंगे। अभी बुके ये तैयार हो गए हैं, ये आप देख रहे हैं बुके तैयार हो गया। अभी इसकी पैकिंग बाकी है। ठीक है। तो पैकिंग हम करने लगे हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो एक बुके के बनने में टोटल कितना टाइम लग जाता है आपको? एक बुके तैयार करने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। अगर उससे अच्छा दिल से हम तैयार करें तो आधा घंटा लगा देते हैं। तो आपका जो सीजन होता है इसमें सबसे अच्छे माह कौन से होते हैं जिसमें आपकी सेल मैक्सिमम होती है? हमारा सीजन जो होता है वो तकरीबन स्टार्ट हो जाता है सफर जब एंड होता है ना, सफर के बाद वो सीजन स्टार्ट हो जाता है। शादियों में आपके ज्यादा बुके यूज होते हैं? अच्छा। जब सीजन स्टार्ट होता है यानी कि सर्दी का मौसम होता है, लड़के हम 8 से 10 लड़के हो जाते हैं। यानी कि किसी को कोई तलीम भी नहीं है ना स्कूल की, लेकिन जिस बंदे में ये काम आ रहा है जिसको, चाहे उसने कभी वो स्कूल को देखा भी नहीं है, ठीक है, तो उसकी सैलरी कम से कम कारीगर है तो फिर भी उसकी सैलरी 40-45-50 हजार रुपए लग सकती है। तो जो आपका ऑफ सीजन होता है उसमें भी सैलरी इतनी होती है? उसमें भी इतनी सैलरी होती है। तो उसमें ये होता है कि 3 वक्त का खाना भी इन लोगों का ही है, ठीक है, जिसके पास हमने काम करना है। 3 वक्त का खाना होता है और जो कपड़े वगैरह हैं ये भी हमें प्रेस मिलते हैं। सुबह कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आपकी ड्यूटी होती है? इसमें कोई टाइमिंग का नहीं इशू। अच्छा। अगर काम है पूरी रात काम है तो हमने पूरी रात काम, ऐसे ये डिस्प्ले है ना जो बुके हैं, अगर सेल हो रहे हैं तो हमने तैयार की जाना है, ठीक है। हाँ जी। अगर काम नहीं है तो कोई मसला नहीं है। फिर उन लोगों ने हमें कमरे वगैरह भी लेके दिए होते हैं, कमरे में भी हम रहते हैं, वो भी उनका रेंट यही देते हैं। अभी हमने ये देखें, ये कजन है मेरा, जी ये जी। भी कारीगर है। अच्छा। ये भी हम सैलरी पे यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसकी तनख्वाह 40 हजार रुपए इसकी तनख्वाह है। तनख्वाह है इसकी? हाँ जी, कारीगर है पूरा कारीगर। अच्छा अच्छा। तो एक कारीगर को सीखने में कितना टाइम लगता है इसमें? अभी तो ये काम ही ऐसा हो गया है कि कोई ना कोई इंटरनेट दौर आ गया, आपको पता है नया काम ही आ रहा है। अच्छा। कोई भी बुके है कस्टमर ले आता है, उसकी डिमांड होती है, ये यूट्यूब से या नेट से बुके निकालता है, बाइक की फोटो होती है, तो वो कहता है मुझे इस तरह की चीज तैयार चाहिए। अच्छा। फिर हमने इस तरह की चीज तैयार कर देनी है। और आज के व्लॉग में हमारा ये ऑब्जेक्टिव था कि आपके सामने इस उन हाथों को, उस टैलेंट को लेके आया जाए जो इन खूबसूरत बुकों के खालिक होते हैं यहाँ पे, और वो अपने फन और हुनर की वजह से पूरे मुआशरे में खुशियाँ बांटे। यह खूबसूरत बुके खुदा बख्श साहब ने हमारे सामने तैयार किया है और हम इन फ्यूचर भी इंशाल्लाह आपको आर्ट चैप्टर के प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट किस्म की क्रिएटिव वीडियोस आपके सामने पेश करेंगे। तैयार हो गया, बिल्कुल मुकम्मल है, ये आप देख सकते हैं। ये बेहतरीन और खूबसूरत बुके अब आपके सामने
मौजूद है। ये वो दोनों हाथ हैं जो इस बुके को फिनिशिंग करके आपके सामने लेके आए हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव आज का यही था कि एक बुके कैसे बनता है आपको वो बराहल आपको दिखाया जाए। खुदा बख्श साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भाई आपका भी बहुत शुक्रिया आपने। ये देखें, ये हम लोग सैलरी पे काम करते हैं, अगर किसी को भी जरूरत हो कभी भी सीजन में तो वो हमको हम अगस्त में हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम किसी ने भी अगर हमें काम पे बुलाना हो तो हम काम पे इंशाल्लाह उनके पास पहुंच जाएंगे। दिलन शटोन में ये मार्केट है, आप कभी भी इधर आके खुदा बख्श साहब से मुलाकात कर सकते हैं, इनसे बुके परचेज कर सकते हैं। ये खूबसूरत बुके आपके सामने, ये इसका क्लोजअप है, बहुत ही खूबसूरत और दिलकश बुके आपके सामने। इसी के साथ हम और चैप्टर से आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपके सामने मज़ीद खूबसूरत वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।